Welcome back to One India Data Center. I am here to give you an insight of the vote share earned by various political parties during 2019 election versus 2024 assembly election in Maharashtra. Maharashtra के आंकड़े हम देखते हैं 2019 में किस तरह से थे. तो 2019 में महाराष्ट्र के अंदर भाजपा को 36.46% वोट मिले थे और उनकी सीटें आई थी 105, जबकि शिवसेना जो उस टाइम में संगठित थी, शिवसेना एक ही थी, उद्धव ठाकरे उसका नेतृत्व कर रहे थे, शिवसेना को 56 सीटें आई थी और उनको मत प्रतिशत मिला था 19.44%, लगभग 20% कह सकते हैं, जबकि शरद पवार की एनसीपी को 19% से कुछ कम वोट मिले थे, 18.75% वोट दे हैव अर्नड एंड उनको सीटें आई थी 54. आप देख सकते हैं जहां शिवसेना को 56 सीटें आई थी वहीं पर शिवसेना के अभी के साथ ही एनसीपी के शरद पवार 54 सीटों के साथ चुनाव को उन्होंने समझा देखा था. कांग्रेस पिछले बार 2019 में 44 सीटें लाई थी, उसका वोट प्रतिशत 15.28 हुआ करता था, जबकि स्वतंत्र और निर्दलीय उम्मीदवार कह सकते हैं उन्होंने 13 सीटें जीती थी, 4.51% वोट शेयर था, आदर्श के खाते में करीब 5.5% वोट आए थे. अब देखते हैं 2024 का आंकड़ा, ये बड़ा दिलचस्प है. पिछली बार आपने देखा कि शिवसेना एक और एनसीपी एक. इस स्क्रीन पर आपको शिवसेना दो बार दिख रही है, एनसीपी भी दो बार दिख रही है, बीजेपी 25.08%. एक बार मैं आपको फिर से पिछला स्क्रीन दिखाता हूं, बीजेपी का मत प्रतिशत 36.46% रहा है पिछली बार. इस बार बीजेपी को तो जो वोट मिले हैं करीब 25.08% है. मुझे लगता है यहां पर कुछ गलती हुई है, मैं एक बार दोबारा भी चेक करूंगा. ये करीब 35% के आसपास बनता है बीजेपी का वोट शेयर यहां पर, और उनकी सीटें बढ़कर हो गई है 124, 105 से 124, बिग जंप लिया है बीजेपी ने महाराष्ट्र में, जबकि शिवसेना जो एकनाथ शिंदे का फ्रैक्शन है, और कहा जा रहा था कि इस चुनाव में एकनाथ शिंदे को हो सकता है कि मराठा वोटर्स की नाराजगी का सामना करना पड़े, लेकिन शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप ने 12.68% वोट हासिल किए हैं और उनको 55 सीटें आने का अनुमान है. उसके साथ ही अजित पवार के एनसीपी को 38 सीटें मिलने का अनुमान है और उनके पास करीब 11% वोट गया है. यह एनडीए का कुनवा है जिसकी मिला जुला करके 230-232 सीटें आने का अनुमान है. अब हम देखते हैं यहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे का क्या हाल रहा है. शिवसेना उद्धव ठाकरे को 10.73% वोट मिल रहे हैं और उनकी सीटें आएंगी करीब करीब 19. इसी तरह एनसीपी शरद पवार को 11.52% वोट मिल रहे हैं और उनकी भी सीटें आएंगी करीब 13. तो यहां पर जो बिगेस्ट लूजर हैं वो है कांग्रेस. कांग्रेस को पिछली बार 40 से कुछ अधिक सीटें थी, इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी गिरा है, गिर करके 10.67% रह गया है, 11% से कुछ कम, और उनकी सीटें भी घटकर 19 रह गई है. जहां कांग्रेस का प्रदर्शन हर एक राज्य में गिरता रहा है, केवल झारखंड को छोड़कर जहां पर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, या ऐसा कह सकते हैं कि पिछले परफॉर्मेंस को रिटेन किया है, यहां पर भाजपा जरूर विजेता बनकर उभरी है, लेकिन भाजपा का जो नारा था बटोगे तो कटोगे, उसका असर हम शिवसेना और एनसीपी के दोनों धड़े पर देख सकते हैं. टुकड़ों में एनसीपी दोनों फ्रैक्शन ने और शिवसेना दोनों फ्रैक्शन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो देखिए ये लगभग भाजपा के आसपास पहुंच सकते थे या भाजपा को भी चुनौती दे सकते थे. उसी तरह अगर एनसीपी भी संगठित रहती तो इनका भी वोट शेयर राज्य में करीब 22% से अधिक रहता. फिलहाल जो हो चुका है वो हो चुका है, जो होगा वो देखा जाएगा. हमारे साथ 2024 का आंकड़ा है. Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.